हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ लौकी का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, ये हमने आधा किलो लौकी ली है, इसको मैंने छील लिया है, धो लिया है बढ़िया से। इसको हम कद्दूकस करेंगे। इसके बीच वाला हिस्सा जो है उसको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, अंदर का जो बीज वाला हिस्सा है उसको हम हटा देंगे। इसको कद्दूकस करके बीज का हिस्सा हम हटा देंगे। तो मैं इसको सारा कद्दूकस कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इस तरीके से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। अब बीच वाला फोम का हिस्सा जो है उसको हमें नहीं निकालना है, उसको हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको हटा देंगे। इसकी हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं, तो बस इसको हटा देंगे। बाकी मैं कद्दूकस कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने कद्दूकस करके इसको निकाल लिया है सारा का सारा, अपना अलग रख लिया। और ये इसके बीच का हिस्सा है, इसको हम सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी बनाएंगे। इसकी हम बाद में पैन चढ़ाते हैं। पैन में हम घी डालेंगे, एक चम्मच हम घी डाल देंगे। इसको हम मेल्ट हो जाने देंगे पहले, फिर इसके अंदर हम अपना कद्दू जो कस किया हुआ है उसको हम इसके अंदर डाल के भूनेंगे। कम से कम 10 मिनट तो हम उसे भूनेंगे। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम बढ़िया से भून लेंगे अच्छे से, जिससे हमारा इसका पानी भी सूख जाएगा सारा का सारा। फिर हम इसके अंदर जो है दूसरी चीज़ें मिलाएंगे। ये देखिए, ये हमारा भून रहा है और ये बढ़िया भून गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो दूध हमारा जो है वो 250 ग्राम से ज़्यादा है, 300 ग्राम के करीब दूध है। इसको हम इसके अंदर डाल के, ये दूध जब तक हमारा पकेगा और सूखेगा तब तक हम इसे थोड़ा सा पकाते रहेंगे, लेकिन चलाते रहेंगे। चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर बेकार हो जाएगा। चलाएंगे उसी से जाके ये सॉफ्ट होगा और बढ़िया होगा। तो ये देखिए, हमारा बढ़िया से पक रहा है कितना अच्छा से। और गर्म दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना है। गर्म करके अलग से पहले रख लीजिएगा। अभी देखिए, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। इतना हमारा हो गया है, इसी में चीनी डाल देंगे। चीनी हमारी 200 ग्राम चीनी है, जिससे ये मीठा थोड़ा सा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको भी हम इसके साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि हमारा सूख नहीं जाता है सारा एकदम पक के। देखिए, ये हमारा कितना अच्छा हो गया है, इतना बढ़िया हो गया है। और ये हमारा लगभग अब तैयार है। अब बस इसको मैं आपको क्या कहते हैं सर्व करके दिखाऊंगा कि देखिए, हमारा एकदम से सूख गया है सारा का सारा पानी। और सर्व करके और ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल के, काजू बादाम और किशमिश, ये देखिए मैंने सर्व कर दिया। काजू बादाम किशमिश इसमें डाल दिए हैं काट के। तो आप भी ऐसे बनाएं और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और मुझे सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। टाटा, बाय बाय।